नमस्कार दोस्तों, क्यार मार्केट गुरुकुल में मैं गौरव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी जो नया साल आने वाला है 2020, तो बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि पैसा कहाँ निवेश करें, नया साल आ रहा है तो पैसा किस हिसाब से अच्छी तरीके से कहाँ लगाए, कहाँ लगा के पैसा बढ़ सकता है। तो ऐसी ही कुछ ट्रेडिंग आइडियाज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि जो मतलब हिडन जेम्स आपके लिए साबित हो सकती है इन अपकमिंग ईयर 2020। सो आप भी मतलब कि निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप भी इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। क्यों ग्रैब करना है, कैसे ग्रैब करना है, सो एवरीथिंग इन अ लॉजिकल मैनर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आपका साल अच्छा करने के हिसाब से आपको उसका यूटिलाइजेशन हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बड़े इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो उन्होंने मतलब कि पिछले साल क्या किया है और अभी उनमें क्या क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि वो और क्या कर सकते हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो येलो कलर की मतलब वर्टिकल लाइन है, तो ये येलो कलर की वर्टिकल लाइन मैंने लगा के रखी है जब ईयर 2019 मतलब कि स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अराउंड मतलब कि 11,000 के लगभग निफ्टी ट्रेड कर रहा था इन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2019, और अभी जैसे ईयर खत्म होते आ रहा है तो अराउंड मतलब कि 12,200 या 250 तक अराउंड निफ्टी पहुंच चुका है। मतलब 1,250 पॉइंट्स की अपसाइड रैली ये साल में निफ्टी ने की है, तो उसकी वैल्यू भी अच्छी तरीके से अराउंड मतलब कि 10% तक निवेश, जिन्होंने मतलब जिन्होंने निवेश किया है उनको 10% तक रिटर्न निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, प्लस 10% रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अच्छा मूव बीते साल निफ्टी ने अभी मतलब 2019 में निफ्टी ने दिया है, राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो भी मतलब आउट परफॉर्म कर रही है। बैंक निफ्टी ने भी मतलब मैं दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको, तो दिस इज द मतलब कि ऑन ईयरली बेसिस अराउंड मतलब ये था 27,000 पर, और अभी मतलब ट्रेड कर रहा अराउंड वो 27,500 आप कंसिडर करके चल सकते हैं, वहां से 32,500 मतलब अराउंड 5,000 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। और ये जो अच्छा उछाल आया है, दो बार ये साल में उछाल आया था, आप देख सकते हैं। एक बार मतलब कि इन मिड ऑफ द मार्च जैसे वो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, तो एक नया हाई लाइफ टाइम हाई की तरफ गया था, 32,000 का हाई लगा के आया, फिर वहां से उसको थोड़ा सा मतलब कि वो हल्का होने के लिए आया, फिर से यहाँ पे ही वो सस्टेन हुआ। जो ऑर्डर फ्लो का रीजन उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, वहां पे सस्टेन होके ही एक शॉर्टर टर्म में उसने अच्छी खासी रैली विद इन मतलब कि जो लास्ट दो ढाई मंथ्स है या कहो 3 महीने है लास्ट, तो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर काफी बढ़िया मूव उसके अंदर देखने को आया है। अराउंड 5,000 पॉइंट्स का मूव, मोर देन अराउंड मतलब कि 15% ऑफ द प्राइस, मतलब 15 मैं कहूँ तो अराउंड मतलब ये हो जाएगा 18% का मूव पिछले साल बैंक निफ्टी ने दिया है, राइट। तो इसी लिहाज से इतना अच्छा मूव बैंक निफ्टी के अंदर आया है। मैक्सिमम जो स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है, जैसे HDFC बैंक है, तो सारे स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई के तरफ थे, अपने लाइफ टाइम हाईस को वो टच कर रहे थे। सो मैंने सोचा चलिए अभी ऐसा कौन सा बैंकिंग स्टॉक है जो इतना अच्छा कंपैरेटिवली मूव नहीं हुआ है विद बैंक निफ्टी, सो उसको देखा जाए, और फिर उसमें अभी यदि प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें भी निवेश हम लोग कर सकते हैं। सो जो मेरा स्टॉक निकल के आया था जिसे मैं सोच रहा था, तो वो था दोस्तों वो है एक्सिस बैंक का स्टॉक। इसका रीजन है दोस्तों एक्सिस बैंक सिलेक्ट करने में कि
बैंक निफ्टी के साथ ये अच्छी तरीके से मूव नहीं, लास्ट 3 महीने में ये बैंक निफ्टी के साथ मूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब बैंक निफ्टी और मतलब लाइफ टाइम हाई बनाया तो ये स्टॉक के अंदर जो मूव है तो काफी कम मूव स्टॉक के अंदर दिया है। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक, ये सेम जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लो जोन बोला है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लो जोन से एक बार, दो बार और लगभग ये तीसरी बार वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था, तो दोनों तीनों बार वो स्टॉक ने सडन डाउनफॉल, डाउन मूव ये स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, राइट। और अभी जो इसका फॉर्मेशन बन रहा है, अभी ट्रेंड लाइन भी आप देख रहे हो, तो एक अपर ट्रेंड इसके अंदर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन पर भी एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है कि अपसाइड जाने की संभावना इसके अंदर है। और अपनी ये जो ट्रेंड लाइन कन्वेंशनल, इसकी काफी लॉन्गर ट्रेंड लाइन जो थी, ये पिंक वाली ट्रेंड लाइन, तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी अभी मतलब ये अच्छे खासे इससे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, राइट। और अभी इसके अंदर मतलब कि जो है ये ट्रेंड लाइन को भी उसने अच्छी तरीके से ब्रेक किया है, प्लस ऑर्डर फ्लो जोन को भी वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो निवेश की अच्छी संभावनाएं एक्सिस बैंक में बनती हुई नजर आ रही है। अभी अराउंड मतलब कि 760 चल रहा है, तो अभी 760 के लगभग थोड़ा सा यदि एग्रेसिवली आप लेते हो तो मतलब इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आएगा 760 पे, आप यदि उसको लोगे तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है तो एक मिनिमम 730 का स्टॉप लॉस लेके मतलब अराउंड 30 पॉइंट्स के लगभग का स्टॉप लॉस इसके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। तो अराउंड मतलब कि 4% ऑफ द स्टॉक प्राइस के लगभग का स्टॉप लॉस इसके अंदर आते हुए दिख रहा है। और इसमें रिवार्ड भी फिर दोस्तों जो है पहला टारगेट दिख रहा है 800 का। अभी 800 का जो लेवल है तो 800 के लेवल पे अराउंड मतलब कि 40 पॉइंट्स उसको मिल रहे हैं, और उसके ऊपर भी फिर वो 824 के तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और अग्रेसिवली अभी नहीं भी लेना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दे इन द ऑर्डर फ्लो जोन, और फिर उसके बाद आप इसके अंदर निवेश करके चल सकते हैं। तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप की आपकी एंट्री उसके अंदर हो सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, और एक थोड़ा या तो फिर पार्शियली थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्ट करें, पार्शियली आप यहां पे कंसोलिडेशन के बाद इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहां पे बढ़िया दिख रहा है, राइट। तो अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके अंदर एंट्री कब और कैसे लेनी है, ओके। तो चलिए लेट्स अभी थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सो बिफोर मूविंग नेक्स्ट स्टॉक, जो फाइनेंस सेक्टर है दोस्तों, तो फाइनेंस सेक्टर में यदि आप देखोगे तो मतलब पिछला साल फाइनेंस सेक्टर के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। पिछले साल में फाइनेंस सेक्टर काफी वीक नजर आ रहा था। फाइनेंस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो फाइनेंशियल आप देखोगे पिछले एक मतलब कि अराउंड पिछले एक साल में फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या हुआ है। जैसे आइबुल हाउसिंग फाइनेंस था, तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस भी काफी मतलब ये हो चुका है। यमएनएम फाइनेंस है, यमएनएम फाइनेंस के अंदर भी काफी डाउनफॉल आता हुआ दिखा है। तो फाइनेंस सेक्टर में इतना अच्छा जो स्ट्रेंथ था वो देखने को नहीं मिला है। तो जो बहुत से फाइनेंस सेक्टर वाले जो स्टॉक्स थे, तो वो फाइनेंस सेक्टर वाले स्टॉक्स एक डाउनफॉल लगाते हुए, एक लाइफ टाइम मतलब कि अराउंड एक लोस को छूते हुए दिख रहे थे। सो यहाँ पे जो अच्छा फाइनेंस का एक जो स्टॉक है जो मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हो, वो मुझे एसआर ट्रांसफिन का लगा दोस्तों। उसका रीजन है एसआर ट्रांसफिन का कि काफी देर तक अभी वो कंसोलिडेट हुआ है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको यदि लॉन्गर लेके चलूं तो मतलब अराउंड ये स्टॉक जब ट्रेड कर रहा था तो अराउंड इसने ये जब हाई बना के आया था अराउंड 2018 में, तो 2018 से लगभग ये स्टॉक जो है वहां पे 1700 रुपए के अराउंड था। तो 1700 रुपए मतलब 1680-70 के अराउंड था, तो वहां से ये स्टॉक अराउंड आधा ही हुआ था फिर, है ना। अराउंड 900 तक उसने लो को टच किया है, और अब जाके इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो ऑर्डर फ्लो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लो इसके अंदर दिख रहा था। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एक बार भी मतलब वहां पे आया, फिर से नीचे चला आया था, फिर यहाँ पे आया, फिर से नीचे चला आया, फिर यहाँ आया, और अभी ये ऑर्डर फ्लो को क्लोज करके यहाँ पे ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है।
तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी हो सकती है अभी अराउंड, मतलब इसमें यदि ये जोन के इर्द गिर्द, या मतलब यहाँ पे आपको यदि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो जोन के नीचे यदि अग्रेसिवली वो रिवर्स कर देगा सो आप फिर अपना यहाँ पे एग्जिट बना सकते हो, राइट। तो और इसमें भी जो टारगेट्स आपको फिर देखने को मिल सकते हैं तो अच्छे टारगेट्स, इसमें पहला टारगेट अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा अराउंड 1240 का पहला टारगेट, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मतलब कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी ये टारगेट्स यहाँ पे अचीव ये स्टॉक कर सकता है। तो दूसरा आएगा अराउंड 1290 का। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ कंपेयर करें तो बढ़िया यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको यसा ट्रांसफिन के अंदर भी मिल सकती है। तो देखिए आपको मतलब कि प्रॉपर अभी प्राइस एक्शन तो इसके अंदर बन ही रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप ये दोनों स्टॉक के अंदर अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूजफुल कंटेंट्स ये वीडियो से मिले हैं, आप इनको एटलीस्ट नहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट लर्निंग पर्पज से इनको देखोगे, इनके अंदर का मुंह ये किस हिसाब से मुंह करते हैं उनको देखोगे और कुछ इनसे सीखने का भी आप कोशिश करोगे। So thank you for watching this video. Thank you for your time. God bless you all.